तो हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अजब गजब उल्टे सीधे हर टाइप के वेपन देखे हैं और हर बंदे को यूज करते हुए देखा है। तो चलो रैंक करते हैं एमसीयू के 10 सबसे पावरफुल वेपन्स को। तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड और इसके ही जैसे बहुत से वेपन्स अब बहुत पीछे रह चुके हैं यार, क्योंकि अब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इतना ज़्यादा आगे पहुंच चुका है कि इसमें एक से बढ़कर एक वेपन एक्जिस्ट करता है। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं वेपन्स की बात करेंगे। तो यस, एमसीयू का नाम आ गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा मूवीज बेस्ड वीडियो है और सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बेस पे। तो आप फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हालांकि शील्ड लिस्ट पे नहीं है। तो शुरू करते हैं नंबर 11 से, क्योंकि अपन लोग 10 बॉल के 11 या 12 पे ही पहुंच जाते हैं, तो झेल लो इसे भी। नंबर 11 पे हमारे पास याका एरो। तो अपने नीले योंडू का एक बहुत पावरफुल वेपन जिसे हम याका एरो के नाम से जानते हैं, उसने इससे बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। याका एरो साउंड वेव्स की मदद से चलता है और योंडू भी इसे ऐसे ही कंट्रोल करता है, लेकिन इसके साथ साथ फिन की भी जरूरत पड़ती है। और हाँ, ये बात भी मानने वाली है कि योंडू के अलावा और कोई भी याका एरो को ढंग से यूज नहीं कर पाया है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में भी योंडू ने सबकी फाड़ दी थी, और जब ये यहाँ पे रॉकेट ग्रुप वगैरह के साथ था तो इसने पूरी स्पेशन में आरजीबी लाइट खेलना शुरू कर दिया था। और इतना पावर लेवल होने की वजह से बहुत से फैंस ये सोच रहे थे कि क्यों इस बंदे को टपकाया और एवेंजर्स एंड गेम में क्यों नहीं लाया। तो इसके पीछे का आंसर यही है कि योंडू इतना पावरफुल था कि अगर वो एंड गेम में होता तो अपने एरो की मदद से पूरा का पूरा रुख ही बदल देता उस बैटल का। बैटल में कुछ रहना ही नहीं था, इसलिए मार्वल वालों को उसे टपकवाना पड़ा। नंबर 10, मिस मार्वल ब्रेसलेट्स। अब देखो, ये ब्रेसलेट्स अपनी मिस मार्वल यानी कमाला खान को पावर देते हैं, लेकिन कॉमिक्स में इसके पास कोई ब्रेसलेट्स नहीं है भाई। कॉमिक्स में इसकी पावर सिर्फ शेप शिफ्टिंग यानी इलास्टिक पावर्स है, लेकिन हमने इसकी सीरीज में इसके साथ ब्रेसलेट्स को देखा ताकि इसकी पावर थोड़ी रियलिस्टिक दिखाई जाए। क्योंकि अगर हम इस मिस मार्वल को देखते हैं तो कई हद तक ये अपने मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड की तरह लगती है। इसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, ये बहुत कार्टूनिस्ट टाइप लगेगा, और इन्हीं पॉइंट्स की वजह से इसको ब्रेसलेट्स मिल गए। लेकिन ये अपनी पावर से बिल्कुल ग्रीन लैंटर्न की तरह कुछ भी कर सकती है, जीरो विल पावर होनी चाहिए। मतलब एक तरह से इसकी सारी पावर अपने ग्रीन लैंटर्न के रिंग की तरह ही है, और मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 9, 10 रिंग्स। तो अपने वेनवू भैया को ये वेपन मिला था हजारों साल पहले, और अपने इस वेपन की मदद से ये वॉर्स में बहुत हद तक ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब से वेनवू ने इस रिंग को पहना था तो लगभग ये रिंग इसे इमोर्टल ही बना चुकी थी, क्योंकि ये हजारों सालों तक जिंदा था। इसके साथ साथ शैंकी ने लास्ट सीन में डार्क ड्वेलर की भी फाड़ दी थी इन रिंग्स की हेल्प से। एंड लास्ट में यानी पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये भी दिखाया गया कि ये रिंग इस ओरिजिन की नहीं है, अर्थ से बिलोंग ही नहीं करती, जिसका मतलब ये है कि ये रिंग्स लिटरली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर की है या किसी ने इसे बनाया है। नंबर 8, एटर्नल फ्लेम एंड सर्टर ट्वाइलाइट सोर्ड। तो एटर्नल फ्लेम एक तरह से सर्टर का ही पावर सोर्स, और सर्टर का क्राउन जिस भी वक्त इसके कॉन्टेक्ट में आ गया तो सर्टर प्राइम फॉर्म अचीव कर लेता है। इस फ्लेम की सबसे खास बात कि इस फ्लेम से तुम मरे हुए को लगभग जिंदा ही कर सकते हो, जिस तरह से हेला ने अपनी डेड आर्मी को रेज किया था, और इसी फ्लेम की मदद से सर्टर जग गया था। इसके साथ साथ अगर हम अपनी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड की बात करें तो ये सर्टर का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन है, जिस वेपन की मदद से सर्टर बहुत हद तक पावरफुल हो जाता है। सर्टर ने इस वेपन से हेला को तो मारा ही मारा, इसके साथ साथ पूरे एस्कार्ड का बैंड बजा दिया। इसने अपने इस वेपन से अगर पूरा एस्कार्ड डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम लोग सोच सकते हो कि ये वेपन कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, इसीलिए ये वेपन इस लिस्ट में है। नंबर 7, गननीर। तो गमनीर वही वेपन है जो ओडिन यूज करते हैं, और ओडिन इस वेपन से कुछ भी कर सकते हैं। ओडिन अपनी ओडिन फोर्स को भी इसी वेपन की मदद से चैनलाइज करते हैं, एनर्जी ब्लास्ट, एनर्जी प्रोजेक्शन और भी बहुत सी पावर्स को ओडिन इसी वेपन से यूज करते हैं। और हमें थॉर भी दिखा था हेला के खिलाफ इस वेपन को यूज करता हुआ। लेकिन इस वेपन को लेकर जो सबसे बुरी बात मुझे लगी वो ये है कि एमसीयू में इसे ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया है, मतलब इस वेपन को ज्यादा नहीं दिखाया गया है, जिस वजह से बहुत से फैन इसकी ट्रू पावर को आज तक जान ही नहीं पाए हैं, और इसी वजह से ये वेपन इस लिस्ट में इतना नीचे है। लेकिन ये स्वेटर से ऊपर इसीलिए है क्योंकि ओडिन ने एक बार प्राइम फॉर्म वाले स्वेटर को भी फाड़ दिया था, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये वेपन इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाया। नंबर 6, हाइमडाल बायफोर्स स्वॉर्ड। अब मैंने बहुत से लिस्ट चेकआउट किए, लेकिन एक वेपन को हर कोई भूल जाता है, और वो अपने हाइमडाल की स्वॉर्ड। अब देखा जाए तो ये बायफोर्स स्वॉर्ड में बायफोर्स खोलने का पोटेंशियल है, और अगर तुम्हें बायफोर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता तो अपना ये बायफोर्स किसी भी प्लैनेट में अगर ज़्यादा देर तक खुले रहे तो प्लैनेट की बैंड बच जाती है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि ये वेपन पूरी तरह से हाइमडाल का है, क्योंकि हाइमडाल को चेंज कर दिया गया था एक टाइम पे। लेकिन एक बात तो है कि अपना ये वेपन ये पोजीशन तो डिजर्व करता ही करता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है।
तो अब बारी आती है टॉप 5 की। नंबर 5 पे है हमारे पास नेक्रोस्वॉर्ड। तो अगर हम अपनी गॉडेस ऑफ डेथ यानी अपनी हेला की बात करें तो हेला की नेक्रोस्वॉर्ड में भी बहुत हद तक दम है। हेला ने इस नेक्रोस्वॉर्ड से एस्कार्डियन की इस पूरी आर्मी की बैंड बजा दी थी। इसके साथ साथ इसने सर्टर के ऊपर भी अटैक किया था, वो बात अलग है, इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अपन लोग यहाँ पे मेनली फोकस करेंगे गोर की नेक्रोस्वॉर्ड पे। अब अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि नेक्रोस्वॉर्ड आखिरकार है क्या, तो तुम लोग ऐसा समझ लो कि यूनिवर्स पे बहुत पहले जब कुछ भी नहीं था तो उस टाइम पे नल नाम का एक बहुत पावरफुल डार्क गॉड रहता था, यानी सिम्बियोट गॉड। अब नल बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन अचानक से सेलेस्टियल्स आ गए, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट बनाए, सोलर सिस्टम बनाए, गैलेक्सीज बनाई। तो बेसिकली नल को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसे हर जगह डार्क ही चाहिए। नल उसे फाइट वगैरह करता है, लेकिन लास्ट में वो इतना पावरफुल वेपन क्रिएट कर देता है जिससे वो सेलेस्टियल की भी फाड़ दे, यानी ऑल ब्लैक नेक्रोस्वॉर्ड। और यही नेक्रोस्वॉर्ड हमें गोर के पास दिखने वाली है थोर लव एंड थंडर में। और जो लोग इस वीडियो को थोर लव एंड थंडर के बाद गलती से भी वॉच कर रहे हैं, उन्हें बता दूं कि ये वीडियो से बहुत पहले हो चुका है। अब एक बात तो है कि ये वेपन एक दो पोजीशन और आगे आ सकता था, लेकिन मैंने इसे थोड़ा नीचे रैंक किया, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि एमसीयू में इस वेपन को मार्वल वाले किस तरह यूज करेंगे, क्योंकि कॉमिक्स में तो इसका पावर लेवल बहुत ज्यादा है। लेकिन हमें सारे आंसर 8 जुलाई को मिल जाएंगे, जब हम थोर लव एंड थंडर को देखेंगे कि एक्चुअली में ये वेपन कितना पावरफुल है। हालांकि मैं एक पॉइंट पे बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं लेता कि ये वेपन ने एक प्लैनेट डिस्ट्रॉय किया था इस ट्रेलर में, क्योंकि देखो यार यहाँ पे लाइटनिंग है, स्टॉर्म ब्रेकर का कांड है ये। नंबर 4, म्योनिर। थोर का पार्टनर एंड एस्कार्ड का एक बहुत पावरफुल वेपन जिसे थोर बहुत ज्यादा टाइम से यूज करता हुआ आ रहा है, वो है म्योनिर। जब से ओडिन ने इसके ऊपर मंत्र फूका था, तब से वही लोग इस हैमर को उठा सकते हैं जो इसके वर्दी हो, जस्ट लाइक अपना कैप्टन अमेरिका। एंड इसके साथ साथ ये अपने यूजर को स्टॉर्म मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन, लाइटनिंग मैनिपुलेशन एंड और भी काफ़ी यूनिक एबिलिटीज प्रोवाइड करता है। अगर किसी के ऊपर ये रख दिया जाए तो बंदा हिल ही नहीं पाएगा। इसके हिट इतने डेंजर है जिससे थैनोस भी उड़ उड़ के पड़ रहा था। लेकिन हाँ, हेला ने अपने हाथों से इस वेपन का कबाड़ा कर दिया था, लेकिन हमें थोर लव एंड थंडर में ये वेपन फिर से दिखने वाला है, यानी कि अपना म्योनिर फिर से ठीक हो चुका है। और यही बात इस वेपन के पावर लेवल को दर्शाती है। अब जिसके ऊपर खुद ऑल फादर ने मंत्र फूका हो, वो पावरफुल तो होगा ही। नंबर 3, स्टॉर्म ब्रेकर। तो किंग ऑफ एस्कार्ड के लिए स्पेशल वेपन बनाया गया था जो एक्चुअली में है स्टॉर्म ब्रेकर। अब थोर ने इस वेपन को बनाया था थैनोस से लड़ने के लिए, और मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हमें ये वेपन थोर लव एंड थंडर में फिर से दिखने वाला है। लेकिन अगर हम अपनी इन्फिनिटी वॉर की बात करें तो वहाँ पे इसने आउटराइडर्स की तो फाड़ी दी, थैनोस की शिप्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, 6 इन्फिनिटी स्टोन क्रिएशन को डिफेंड कर दिया और थैनोस को फाड़ दिया। और यही बात इस वेपन की पावर को दर्शाती है। हालांकि ये वाला जो सीन है, इस सीन में अगर हम लाइटनिंग को नोटिस कर रहे हैं तो कई हद तक शायद ये भी अपने स्टॉर्म ब्रेकर ने ही किया है, और अगर ये इसी ने किया है तो अपना स्टॉर्म ब्रेकर एक प्लैनेट को भी तबाह कर सकता है। तो अब हम टॉप 2 स्पॉट्स की ओर आ चुके हैं। नंबर 2 पे हमारे पास दो वेपन्स ने टाई किया है, पहली तो डार्क होल्ड एंड सेकंड बुक ऑफ विशांति। तो अगर अपन लोग थोड़ा सा दिमाग उठा के ध्यान से सोचते हैं तो टेक्निकली बुक ऑफ विशांति ज्यादा पावरफुल बुक है एज कम्पेयर टू डार्क होल्ड, क्योंकि ये यूजर को हर वो चीज प्रोवाइड करती है जो उसे चाहिए। लेकिन वांडा ने डार्क होल्ड की पावर से बुक ऑफ विशांति को तबाह कर दिया, जो ये बात प्रूव करती है कि अगर डार्क होल्ड को कोई बहुत ढंग से यूज करे तो वो उससे बहुत कुछ कर सकता है। तो बुक ऑफ विशांति के बारे में तो हमें ज्यादा माल नहीं मिला डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, लेकिन माना जाता था कि यही एक बुक है जिससे वांडा को रोका जा सके। और बिल्कुल इसी रीजन की वजह से मैंने इस बुक को बिल्कुल डार्क होल्ड के बगल में रखा है। लेकिन अगर हम अपनी डार्क होल्ड की बात करें तो पहले ये बुक अगाथा के पास थी, लेकिन फिर ये वांडा को मिली, और कई हद तक यही वो बुक है जिससे अपनी वांडा स्कारलेट विच में कन्वर्ट हुई। और जिन लोगों ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देख लिया है उनको तो ये पता ही होगा कि इस बुक से वांडा ने क्या तबाही मचाई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज इसके साथ साथ पूरे कमर ताज की बैंड बजा के रख दी, यहाँ पे भी नहीं रुकी तो एलुमिनाटिस उसके सामने लड़ ही नहीं पाए। मतलब हमें ऐसा लगा था कि टक्कर तो दे ही पाएंगे, लेकिन कोई जिंदा ही नहीं बच पाया यार। वांडा ने अपनी इस बुक की मदद से ड्रीम वॉकिंग भी सीख ली, और जिससे वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है या अपने डिफरेंट वेरियंट्स को एक्सेस कर सकती है। और यही बातें डार्क होल्ड को इतना खास बनाती है। इसके साथ साथ जो इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के पास डार्क होल्ड थी, उसने इसकी हेल्प से थैनोस को फाड़ दिया था। तो मतलब तुम लोग खुद समझ सकते हो कि डार्क होल्ड का पावर लेवल कितना ज्यादा है। तो हम फाइनली नंबर 1 की ओर आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैंने उन वेपन्स को ऐड नहीं किया है, फॉर एग्जांपल टेजरैक या लोगी का सेप्टर या आई ऑफ अगामोटो, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन्फिनिटी स्टोन्स के बजाय इनका पावर लेवल क्या है। तो फाइनली नंबर 1 पे है हमारे पास इन्फिनिटी गाउंटलेट विद 6 इन्फिनिटी स्टोन। तो थैनोस ने इस वेपन को उसी बोने से बनाया था जिसे स्टॉर्म ब्रेकर बनाया, और तुम लोग इसी से समझ सकते हो कि इसका पावर लेवल क्या होगा, क्योंकि ये वेपन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड करने का पोटेंशियल रखता है। अब 6 इन्फिनिटी स्टोन यूनिवर्स की सबसे पावरफुल आइडेंटिटी है, जो यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं।
मतलब कहीं हद तक यूनिवर्स तो इनसे ही बना है, लेकिन इनकी पावर से यूनिवर्स डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो अपने हर स्टोन के पास अपना अपना पावर लेवल है। अगर हम स्पेस स्टोन की बात करें तो इसमें तुम स्पेस में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। टाइम स्टोन की बात करें तो इससे तुम टाइम ट्रैवल कर सकते हो या तुम टाइम को कंट्रोल कर सकते हो। माइंड स्टोन की बात करें तो इससे तुम किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। और कभी कभी तो ये भी माना जाता है कि माइंड स्टोन कभी अपने यूजर के दिमाग को भी कंट्रोल करने का पोटेंशियल रखता है। इसके बाद अपना रियलिटी स्टोन है, जिस स्टोन की मदद से तुम रियलिटी को ही शैटर कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। हमारे पास पावर स्टोन है, जिस स्टोन की हेल्प से तुम पूरा प्लैनेट भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नाम ही पावर स्टोन है यार। एंड लास्ट एंड फाइनल अपना साउल स्टोन, जो साउल को मैनिपुलेट करने के काम आता है। इसके साथ साथ हो सकता था कि डार्क होल इन्फिनिटी स्टोन से भी ऊपर लेवल में आ जाए, क्योंकि ये मल्टीवर्स तक को एक्सेस कर सकती है, लेकिन अपने इन्फिनिटी स्टोन ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कहीं हद तक अगर हम इन्फिनिटी स्टोन को ढंग से यूज करें तो हम वांडा के खिलाफ उनका यूज करके फाइट जीत सकते हैं, जिस वजह से मैंने इन्फिनिटी स्टोन को ऊपर रखा डार्क होल से। एंड बाकी तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में बताना कि तुम्हारा फेवरेट वेपन कौन सा है एंड तुम्हारे अकॉर्डिंग ये लिस्ट कैसे हो सकती थी। इसके साथ साथ अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गया तो वो बात भी मुझे कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करना। तो हाँ, खत्म हो गया यार वीडियो। तो ये थे कंप्लीट वीडियो, जहाँ पे हमने MCU के 10 सबसे पावरफुल वेपन्स को रैंक किया 11। उम्मीद है तुम लोगों को ये माल पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोस एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज। 10 सो SS10 असेंबल्ड।